मिलाया। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सियासी तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपर्णा यादव द्वारा कहा गया कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के स्वच्छता अभियान की उन्होंने बात की। हालांकि अभियान बहुत पुराना है, और अगर बात की जाए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, कुछ समय पहले उन्होंने ऐलान किया था कि किसी भी सदस्य को, परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है यही एक वजह रही जिसके चलते अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है? देखिए, ये सियासत जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदल रही है वो ये दर्शाता है कि रिश्तों की बहुत ज्यादा अहमियत सियासत में बची नहीं है। अपर्णा यादव को अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में कैंट से टिकट दिया था, तब वो चुनाव लड़ी थी, और उस समय लखनऊ कैंट में उनका प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव भी गए थे और डिंपल यादव भी गई थी। अब पिछले 5 सालों में समाजवादी परिवार में अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच में किस तरह के रिश्ते रहे हैं, अब ये दर्शाता है कि उनके बीच दूरियां बढ़ती गई, और मुलायम सिंह जो इन दोनों के पिता हैं, संरक्षक हैं, उनको देखिए, इससे पहले शिवपाल यादव भी अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, अब उनकी बहू ने आज अलग पार्टी ज्वाइन कर ली जी। तो स्वाभाविक है कि समाजवादी परिवार में ये एक बड़ा झटका तो है, लेकिन चूंकि अपर्णा यादव को सियासत में आगे बढ़ना है और उनको लग रहा होगा कि शायद उनकी महत्वाकांक्षा वहां से पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। अपर्णा चूंकि कैंट से चुनाव लड़ी हुई है लखनऊ के, वहां से हो सकता है उनको टिकट भी दे दे पार्टी। अब वहां पर पेच एक और फंसेगा, तब रीता बहुगुणा जोशी क्या करेंगी और उनका बेटा क्या करेगा। बिल्कुल। लेकिन हम लौट के समाजवादी परिवार पर आते हैं कि मुलायम सिंह की बहू है अपर्णा यादव, वो आज भाजपा में चली गई है। स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक अप्रिय स्थिति है, उनके सामने जवाब देने की बहुत ज्यादा स्थिति नहीं बचती है। लेकिन ये देखना होगा कि 1 बजे जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो इन सवालों का जवाब कैसे देंगे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी को उनके परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी। चलिए, हेमंत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हेमंत जी, एक बड़ी खबर सामने आई है।